या अनावश्यक लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरियाणा की जनता के सामने आज मैं अग्निवीर से जुड़े कई भ्रम इन लोगों ने पैदा किए हैं, उसको स्पष्ट करना चाहता हूं आपके एनआई के माध्यम से। दुनिया में जो माहौल है उसको देखते हुए भारतीय सेना में नए और जोशीले जवानों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, और अलग अलग देशों जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, इजराइल है, चीन है, इन सभी में आर्म फोर्सेज में शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट्स माने थोड़े समय के लिए, कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है, कहीं 4 साल है, ऐसे शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट्स के लिए सैनिकों के भर्ती के लिए अलग अलग प्रोविजन है। भारत में सेनाओं के सभी अंगों की सहमत के बाद अग्निपथ यह स्कीम प्रारंभ की गई है। कांग्रेस नेता देशभर में झूठ फैला रहे हैं कि अग्निवीरों को सेवा से हटने के बाद आमदनी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, जबकि सच्चाई यह है कि हर अग्निवीर को 4 वर्षों के इंगेजमेंट पीरियड के पश्चात एक वन टाइम सेवा निधि पैकेज भी दिया जाता है, वो लगभग 12 लाख के आसपास है, और यह राशि पूरी तरह से इनकम टैक्स से फ्री होती है। जितने भी अग्निवीरों को सेना में शामिल किया जा रहा है उनमें से 25% अग्निवीर मेरिट के आधार पर सेना में रेगुलर होकर कंटिन्यू करेंगे। बाकी बचे अग्निवीरों के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा जैसे कई राज्य सरकारों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की स्पष्ट रूप से घोषणा की है। इसके अतिरिक्त पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में माने कई ऐसे हैं क्षेत्र जिनमें की रिजर्वेशन की का प्रोविजन किया गया है। अब इस बार हरियाणा के अग्निवीरों के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में साफ किया है कि हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और यह साफ बताता है कि यह अग्निवीर यह हम सबके परिवार की तरह हैं। और मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में एक बड़ा झूठ बोला कि मिलिट्री में सेवा के दौरान यदि अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता, सरासर झूठ। यह खड़ा झूठ बोलने का इससे बड़ा उदाहरण मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। यदि किसी अग्निवीर की एक्टिव मिलिट्री सर्विस में दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1.5 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि दिए जाने का प्राविधान भी किया गया है। और इतना ही नहीं, सेवा निधि पैकेज के अंतर्गत जो लगभग 12 लाख रुपया दिया जाएगा वह दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त भी 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, उसके अतिरिक्त भी 48 लाख ये बैंक के माध्यम से होगा, लेकिन उसमें प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके साथ ही सरकार ने अलग अलग बैंकों के साथ एक एमओयू भी किया है जिसके अंतर्गत 50 लाख से 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कंपनसेशन दिया जाता है। इस इंश्योरेंस के लिए भी अग्निवीरों को प्रीमियम नहीं देना होता है, और भारत सरकार जोखिम को कवर करने का काम करती है तथा अपने पब्लिक फंड से बीमा राशि का भुगतान करती है। इसे कांग्रेस कहती है कि यह तो अग्निवीर के खुद के बीमा की राशि है, मगर यह एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, एक पैसा भी प्रीमियम हमारे अग्निवीरों को नहीं देना पड़ता है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरीके से दुष्प्रचार किया है उसे हिटलर के जमाने के दुष्प्रचार मंत्री गोएबल्स भी मैं समझता हूं आज यदि होते तो वह शर्मा जाते। आज गांधी जयंती के दिन हर हरियाणावासी और साथ साथ हर भारतीयवासी को मैं भरोसा देता हूं कि किसी भी अग्निवीर या सैनिक के साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।